चाबड़िया इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए हलाक किए गए थे दो दहशतगर्द, एक की लाश बरामद। दूसरे दहशतगर्द की लाश के लिए तलाशी कार्रवाई जारी। राजौरी, पुंछ और यूटी के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी को हवा देने की पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, तमाम नापाक अजाइम को बनाया जा रहा है नाकाम। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को राजौरी पुंछ भेजने की कोशिश। मकामी लोग, बीडीसी मेंबरान, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज बना रहे हैं इन कोशिशों को नाकाम। जिला रामबन में चंद पुलिस एहलकारों पर इल्जाम। महकमे माल के एक नायब तहसीलदार समेत दो एहलकारों पर हमले का इल्जाम। मुतल्लिका एहलकारों के साथियों और क्लर्कल स्टाफ ने किया है एहतजाज। मुकम्मल जांच और कसूरवारों को सजा देने की मांग। सब डिवीजन बानिहाल के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी। लेक्चरारों के तबादलों के खिलाफ तलबा का एहतजाज। लेक्चरारों के मुतबादल लेक्चरार फराहम करने की गई मांग। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से तोसा मैदान में प्रोग्राम। मिड डे मील के बर्तन किए गए तकसीम। बच्चों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। सकाफती प्रोग्राम भी पेश। सांबा में जरई ड्रोन का किया गया मुजाहिरा। राघुचक में किया गया अपनी नवियत का पहला ड्रोन मुजाहिरा। तमाम जदीद तरीन सेंसर और जीपीएस से लैस है ड्रोन। काश्तकारों को जरात में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ राकिब देना है मकसद। सोपोर से ताल्लुक रखने वाली दो कमसिन बहनें खेलकूद में मनवा रही हैं अपना लोहा। 11 साल सूफिया और 8 साल फरहीना वूशु में कमा रही हैं अपना नाम। अब तक एक दर्जन से ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल। मुल्क की नुमाइंदगी करने का है ख्वाब। ईडीआई पांपोर में डिजिटलाइजेशन और करप्शन पर प्रोग्राम। मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने लिया हिस्सा। डिजिटलाइजेशन के अलावा रिश्वत के खात्मे के हवाले से फराहम की गई जानकारी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर में इंक्लूसिव वर्कशॉप। बैरूनी ममालिक में तालीम कैसे करें हासिल के उनवान से वर्कशॉप। बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के हवाले से दी गई तफसीलात। मुल्क भर में जन्माष्टमी की धूम। सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। कृष्ण भगवान की हो रही है खसूसी पूजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा हमारी शराकतदारी पहुंच गई है चौथी दहाई में। आसियान में सुनी जाती है सबकी आवाज।